हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 9 है गुडविल चैप्टर की। पिछली क्लास में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझा था और उसके क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18 एडिशन 2019 के लिए, और वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एडिशन 2020 के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, पुराने क्वेश्चनों की तरह है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो है क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट। चलो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं। मनवीर एंड निमृत आर पार्टनर एंड दे एडमिट अनहंत इनटू पार्टनरशिप। दो पार्टनर है, उन्होंने एक पार्टनर को एडमिट करने की सोची और पार्टनर को एडमिट किया। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। तो उन्होंने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ एग्री की कि भाई 3 साल का परचेज मानेंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। ऑन किसके ऊपर? ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है, 3 साल का परचेज मानना है और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड टेकिंग प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो वेट्स असाइन टू ईच ईयर एज 1, 2, 3, 4 and 5 रेस्पेक्टिवली टू प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 to 2019। उन्होंने पहले ही बता दिया हमें कि जो वेट हमें देने हैं वो पुराने वाले को 1, उससे नए वाले को 2 और सबसे लेटेस्ट को 5 देने हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट देते जाने। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो भी हम ऐसा ही करते। चलो अच्छी बात है, दे दिया है तो। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स वॉज 70,000, 1,40,000, 1,00,000, 1,60,000 एंड 1,65,000 रेस्पेक्टिवली। जो प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है तो हमको प्रॉफिट लिख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन पॉइंट क्या है करने वाले? तो पहले मैं इस चीज़ को वहाँ पे नोट कर लेता हूँ प्रॉफिट को, और फिर एक एक पॉइंट करके आपको समझाता हूँ। तो भाई पहले मैंने इसका फॉर्मेट नोट कर लिया ताकि हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो हमारे कितने साल की परचेज, तो फॉर्मूला क्या था पहले हम लिखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेट्स, जो नंबर ऑफ वेट्स का टोटल कर लेंगे वो है। तो भाई आपको पता है जितना प्रॉफिट होगा वो जितनी बार प्रॉफिट को काउंट करेंगे उससे ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वेटेड एवरेज आ जाएगा। तो हम प्रॉफिट लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो प्रॉफिट जो दिया हुआ था 2015 के लिए वो है 70,000, 1,40,000, 1,00,000, 1,60,000 और फिर है 1,65,000। वेट से इंटू करने से पहले, क्यों, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जब वेटेड एवरेज को समझाया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद उसको वेट दिया जाता है। जब सही प्रॉफिट होगा तभी तो उसको वेट से इंटू करेंगे, तभी तो उसको तवज्जो देंगे कि भाई कौन से वाले प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से वाले प्रॉफिट को उससे भी ज़्यादा देनी है। तो वो करने से पहले हम प्रॉफिट को रेक्टिफाई करते हैं, यानी एडजस्टमेंट उससे पहले होगी। तो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट करनी है। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट एडजस्टमेंट का, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 2015 में हमें एक 20,000 का एबनॉर्मल लॉस दिया है, और आपको पता है जो एबनॉर्मल लॉस होता है यानी कि हमारा बेफालतू का खर्चा डाल दिया, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 उसमें ऐड कर देंगे ठीक करने के लिए। माइनस के तो क्या कर देंगे, प्लस। तो 2015 में हम क्या करेंगे, 20,000 ऐड कर देंगे और इंटू करेंगे यहाँ पर जो भी दिया 1। ये वेट हमें ऐसे दिए थे, पहले लिख देता हूँ मैं, ये तो हमें पता चली गया है। फिर हमें पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, देयर वाज एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 2016 में हमारे पास एक एबनॉर्मल गेन है 30,000 का। अब जो आपको एबनॉर्मल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उससे क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। उसको कम करने, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, यानी 2016 में हमें 30,000 माइनस भी करना है, ठीक है, माइनस कर देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे आने वाला है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 2018 में, 31 मार्च 2018 में क्लोजिंग स्टॉक को हमने गलत डाल दिया, 10,000 को ज़्यादा दिखा दिया। तो एक बात याद है, रटने के लिए ध्यान रखो, और फिर मैं आपको ये पॉइंट डिटेल में समझा भी दूंगा जो मैं पिछले क्लास में समझाया था, कि जब आपका ओवर वैल्यू होगा, जब आपका स्टॉक ओवर होगा, तो यानी कि आपका नेट प्रॉफिट भी ओवर हो रखा होगा। रटने के लिए क्या ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है 10,000 से, तो नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा 10,000 से। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस।
10,000 क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट भी 10,000 ज़्यादा हो, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे माइनस। और क्लोजिंग स्टॉक में एक और पॉइंट याद करना है कि 2018 में हमने 10,000 क्या करना है माइनस, 2018 में 10,000 माइनस करना है। तो एक बात और याद करना है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए 2 सालों में एडजस्टमेंट होती है, जिस साल में माइनस हो रहा है उससे अगले साल में क्या होगा प्लस, वही अमाउंट। ये याद करने के लिए, अगर हमारा स्टॉक ओवर वैल्यू है तो हमारा नेट प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू होगा, यानी उसको ज़्यादा दिखा रहा तो उसको ठीक करने के लिए उसको कम करेंगे 10,000 से, और जिस साल कम किया है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से उससे अगले साल क्या करेंगे प्लस, माइनस किया तो अगले साल प्लस, अगर यहाँ पे प्लस किया होता तो माइनस, रिवर्स करना है। अब ये क्यों करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन करने के बाद समझा दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। 70 + 20 = 90 होता है, इंटू 1 क्या होगा 90,000, 140 - 30 110,000 इंटू 2 कितना होगा 220,000, 100,000 × 3 क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है इस पॉइंट में तो 300,000 आ जाएगा सीधा का सीधा, 160 - 10 कितना आ जाएगा हमारा 150 × 4 कितना होगा 600,000, और 165 + 10,000 क्या होगा 175 × 5 कितना होगा 875,000। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 20,85,000 और इसका टोटल है वेट का 15, तो इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे, ये कितना है हमारा 139,000। अब ये 139,000 हम यहाँ पे वेटेड एवरेज में पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 417,000 हमारा क्या आ गया गुडविल। तो यानी क्वेश्चन वैसा ही था जैसे पहले क्वेश्चन की है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो था क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो मैंने क्वेश्चन करवा दिया, आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक को आपको समझा देता हूँ। यह हमने क्या किया था पॉइंट में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट को। देखिए जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, 31 मार्च 2018 का ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है बाय क्लोजिंग स्टॉक ये होना चाहिए 10,000। ये मैं रियल वाला बना रहा हूँ जो सही होना चाहिए, हमारे पास सेल होनी चाहिए 20,000 की, और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था इस क्वेश्चन में 5,000 का, और हमारी परचेज थी 15,000 रुपये की, तो टू जीपी कितना आएगा हमारा, ये हमारा 30,000 हो गया, और ये हमारा क्या होगा 10,000 हो गया हमारा, 20 + 10 = 30, 5 + 10 = 15, 20 + 10 = 30 ये होगा टोटल जीपी हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 10,000, लेकिन क्या कह रहे थे ओवर वैल्यूड, कहते 2018 में हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया 10,000 से ओवर वैल्यू, यानी 10,000 ज़्यादा, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें 10,000 का इजाफा कर दिया, तो यानी कि ये 20,000 लिख दी हमने, 20,000 लिख दिया, यानी कि इसको 10,000 इंक्रीज कर दिया गलती से वैल्यू को। जब ये 20,000 हो जाएगी, 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो जीपी भी हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा, ये भी हमारा जीपी बढ़ गया 10,000 से। ये बाय चांस है, ये 2020 आ रहा है, कन्फ्यूज मत हो जाना कि क्लोजिंग स्टॉक का भाई जीपी भी होता है, ये तो क्वेश्चन ऐसे बना इसमें ऐसे ही आ गया। तो 20,000 जीपी, 10,000 इसमें इंक्रीज हुआ, तो जीपी भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और जब ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से इंक्रीज होगा तो बाकी चीज़ तो सेम ढली हुई है, तो हमारा नेट प्रॉफिट भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, 10,000 उसमें इंक्रीज होंगे। मान लो यहाँ पे जीपी हमारा 40,000 था, तो इसके अंदर 10,000 होगा। तो एक बात बताइए, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को गलत डाला हुआ है तो उसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से हमारा नेट प्रॉफिट भी उसी अमाउंट से बढ़ गया। तो हमने क्वेश्चन में ये बनाना तो है नहीं है चार्ट, हमें देखना है कि जितने अमाउंट से हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, ज़्यादा दिखा है, उतनी अमाउंट से नेट प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, और हम ये 10,000 उतनी अमाउंट माइनस कर दें उसको ठीक करने के लिए। अब ये गलती से 10,000 इसके अंदर ज़्यादा है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस 10,000, हो गया ठीक, 30 आ गया, सही हो गया। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले साल में जो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा डाल दिया, तो उसको क्या करेंगे माइनस, ओवर वैल्यूड यानी इंक्रीज करेगा तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे माइनस पहले साल में, और अंडर वैल्यूड है तो उसको कम कर रखा है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे प्लस,
19 में रिवर्स क्यों करेंगे, प्लस क्यों करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, उसी अमाउंट को क्यों करेंगे? देखिए ये अगले साल की ट्रेडिंग अकाउंट है 2019 की, जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे डाला था 20,000, ये गलत है क्या? यही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ब्रॉड डाउन करके? जब ये ब्रॉड डाउन गलत हो जाएगा तो इससे हमारी जीपी भी गलत हो जाएगी, जब ये गलत 10,000 हो गया तो इससे हमारा ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। जीपी कम हो जाएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, भी कम हो जाएगा। सो क्या करेंगे फिर? प्लस करेंगे ठीक करने के लिए। होप आप समझ गए होंगे। अब आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट आ रहा होगा जो कि किसी ना किसी बच्चे के आ ही गया होगा कि सर 20,000 हमने ओपनिंग स्टॉक, तो इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी तो गलत हो गया होगा फिर वापस, तो ऐसे तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्लोज स्टॉक गलत हो जाएगा फिर इससे जीपी, तो ये इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास 31 मार्च को जो सामान पड़ा होता है गोडाउन में, हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके, काउंट करके, और उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इस साल में गलती हो गई थी, वो इस साल में गलती नहीं हुई है। इसमें गलती इसलिए होगी, वापस हर साल वो गलती नहीं होने वाली। इसमें जो ओवर वैल्यूड हुआ था, इस अगले साल में ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम वो पुराने वैल्यू को उठा के लिख देते हैं, और इस वाले में क्लोजिंग स्टॉक में गलती इसलिए, इसको हमने वापस कैलकुलेट किया होगा, मतलब वापस से चेक किया होगा 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, तो इसमें वो गलती नहीं होगी, इसमें ठीक रही होगी, तो ये हम मानते हैं और ऐसा ही होता भी है। तो इस वजह से क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे होती है? एक साल में अंडर ओवर वैल्यूड है, तो यानी कि आपने ज़्यादा प्रॉफिट डाल रखा होगा, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। अगले साल में उसी की वजह से प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वही गलती आगे कैरी फॉरवर्ड करके हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर देगी, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। जब इस साल में ठीक कर दिया तो इस साल में भी ठीक करेंगे। अंडर वैल्यूड है तो हमने प्रॉफिट को कम डाल रखा होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक को कम डाल रखा होगा, यानी प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करके ठीक कर देंगे। चलो अभी क्वेश्चन इस पॉइंट में, यही क्वेश्चन था जो मुझे करवाना था, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है 2019 एडिशन में, और क्वेश्चन नंबर 13 है 2020 एडिशन में। 19 में 20 है और 20 में 13 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। परचेज कितना मानना है? 3 साल का। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर्स। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के प्रॉफिट का वेट लेना है, तो वेट तो बाद में इंटू करते हैं, वेट तो बाद में देते हैं, पहले क्या करते हैं उसको रेक्टिफिकेशन यानी एडजस्टमेंट करते हैं। द अप्रोप्रिएट वेट इज टू बी गिवन आर एस 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट दिया है 15, 16, 17, 18, 19, और ये वेट दिया है, ठीक है। ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट। स्क्रूटनी क्या होता है? जब हमने अकाउंट को चेक किया, यानी कि बायर ने जब अकाउंट चेक किया होगा तो उसको क्या पता चला? द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, मतलब ये चीज़ें पता निकली, ये निकली उसमें से बातें। ऑन दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 कौन से साल में आएगा? दिसंबर 2017 कौन से साल में आएगा? इस साल में 17-18, फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है ना, तो 31 मार्च दिसंबर किस में आएगा? इसी में आएगा ना, यानी इस साल में गलती हुई है। 31 दिसंबर 2017 अ मेजर रिपेयर, इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज़ को 17-18 करके इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 लिखा होता तो हमें उसको क्वेश्चन में 17-18 करके लिख लेना चाहिए था, ताकि हमें गलती ना हो, तो क्वेश्चन में पहले से दिया, अच्छी बात है ये। ऑन 1st दिसंबर 2018 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 30,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। इसमें ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, ध्यान से सुनना। इस वाले साल में हमने क्या किया, एक बड़ी रिपेयर की, मेजर रिपेयर की मशीन के ऊपर 30,000 की विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, जो कि हमने पीएनएल में डाल दी। रेवेन्यू का मतलब है पीएनएल में डालना, रेवेन्यू का मतलब होता है पीएनएल में शो करना। कोई खर्चा है तो रेवेन्यू कब होगा? जब पीएनएल में डेबिट साइड डाल दी। कोई इनकम है तो रेवेन्यू कब होगा? जब हमने क्रेडिट साइड डाल दी होगी, तो रेवेन्यू में डाल दिया, खर्चा ही होगा। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल। इसको क्या कह रहे हैं, इस अमाउंट को हमें कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी खर्चे को कैपिटलाइज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ के ऊपर वो खर्चा हुआ है उसको हमें उसी में ऐड करना चाहिए था। मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है तो मशीन के नाम से रिकॉर्ड करना चाहिए था, यानी एसेट मानना चाहिए था, ना कि एक्सपेंस। अगर हमने मशीन के ऊपर 5,000 का खर्चा किया है और हमने उसको कैपिटलाइज वर्ड यूज़ किया, तो इसका मतलब है कि मशीन में 5,000 का खर्चा अमाउंट डालेंगे, ना कि हम ये एंट्री नहीं डालेंगे।
हम ये एंट्री नहीं डालेंगे भाई, अगर हमने कैपिटलाइज वर्ड लिखा है तो हम ये नहीं डालेंगे रिपेयर टू कैश, रिपेयर का खर्चा ये नहीं डालेंगे कैश में गया, ये डालेंगे मशीनरी टू कैश, हुई रिपेयर ही है लेकिन मशीनरी की रिपेयर हुई और कैपिटलाइज वर्ड हुई है, नहीं मशीनरी खरीदा हुआ मानेंगे, मशीनरी में ऐड करेंगे और इस पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब होता है उसको एसेट में शो करना, एसेट में ऐड कर देना। तो 30,000 का क्वेश्चन में क्या है, इस वाले साल में हमने 2017 में 17-18 में 1 दिसंबर को हमने 30,000 का एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है जो कि 30,000 का हमने उसको क्या किया, खर्चे में डाल दिया पीएनएल में, जो कि हमें कैपिटलाइज करना था, मशीन में डालना चाहिए था। इसमें 2 गलतियाँ होंगी, मैंने पहले ही बताया था जब भी कोई मशीनरी का खर्चा हमने गलती से पीएनएल में डाल दिया हो तो उसकी 2 रेक्टिफिकेशन होगी। पहली रेक्टिफिकेशन क्या होगी भाई, उसकी जो आपने पीएनएल अकाउंट बन रखा है और यहाँ पे आपने रिपेयर डाल दी, सबसे पहले वाली बात क्या होगी, आपने पहले तो ये रिपेयर कितने का था देख लेते हैं, 30,000 का पहला रेक्टिफिकेशन क्या होगा, इसको हटाओ, ये माइनस हो रखा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे प्लस, जो डेबिट साइड होता है वो माइनस होता है तो उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, और रेक्टिफाई करके कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में, मशीनरी वाले अकाउंट में। और दूसरी रेक्टिफिकेशन क्या होगी इसकी, जब इस चीज़ को हमने एक्चुअली में इस बार रिपेयर में डाला हुआ था गलती से, तो रिपेयर में डाला हुआ तो इसकी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की होगी, और अगर हमने इसको मशीनरी में डाला होता 30,000 को तो हमने इसको डेप्रिसिएशन क्लेम की होती, डेप्रिसिएशन लिया होता, और डेप्रिसिएशन लेते तो कहाँ जाता, टू डेप्रिसिएशन यहाँ पे, और जब डेप्रिसिएशन यहाँ पे डालते तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता। तो जब रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं मशीनरी की तो 2 रेक्टिफिकेशन होंगी, एक तो हम उसको रिपेयर हटाएंगे तो प्लस करेंगे, एक उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उतने दिनों का, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे डालेंगे यानी माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट को उतने अमाउंट से, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। तो पॉइंट समझ में आ गया, तो 30,000 के एडजस्टमेंट क्या होगा कि भाई हमने 1 दिसंबर को किया था, दिसंबर जनवरी मार्च यानी 4 महीने के लिए 30,000 तो पहले तो प्लस करेंगे, और डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा अपने को 10% रिड्यूसिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, यानी वैल्यू गिरने के बाद 30,000 के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, 30,000 के 10% के हिसाब से 4 महीने का कितना हुआ 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस। लेकिन एक बात और है, अगर हमने इस साल में डेप्रिसिएशन नहीं डाल रखी थी तो यानी कि अगले साल में भी इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं डालेगी, उससे अगले साल में भी, उससे अगले साल में भी, तो यानी बचे हुए सालों में हम डेप्रिसिएशन को डालेंगे हर साल में, क्योंकि अभी इस साल में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो अगले सालों में भी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 2018 में आएगा, यानी 17-18 में आएगा और 18-19 में आएगा, 2 सालों में हमारी डेप्रिसिएशन आएगी। अब की बार कितने पे आएगी, 30,000 में से 1,000 माइनस करो, डेप्रिसिएशन कितनी इस साल की 1,000, तो 29,000 के ऊपर 10% लगाएंगे, कितना आया 2,900 यहाँ से माइनस होगा। तो क्वेश्चन को ऐसे करना है, पहले ही उसको रेक्टिफिकेशन को एक पॉइंट को जहाँ जहाँ होती है वो करते चलो। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 12,000, तो भाई ओवर वैल्यूड है 16-17 में ओवर वैल्यूड है, तो यानी प्रॉफिट ज़्यादा कर रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा किया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे माइनस, यानी कि 16-17 में माइनस तो 17-18 में क्या करेंगे 12,000 को प्लस। क्वेश्चन हो गया, पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि पिछले पॉइंट में कर चुके हैं। अगला क्या है, टू कवर मैनेजमेंट कोस्ट, कि भाई आप बिजनेस में मैनेजमेंट का खर्चा मुझे डालना चाहिए, मैं बिजनेस खरीद रहा हूं और मैनेजमेंट का कोस्ट मैं कवर करना चाहता हूं, एंड एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए, गुडविल पर्पस के लिए जो मैं प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर रहा हूं उसके लिए मैं 24,000 का खर्चा मान के चलूंगा एनुअल चार्ज हर साल, यानी हर साल मुझे 24,000 माइनस करने चाहिए, हर साल मुझे क्या करना चाहिए 24,000 माइनस करने चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम कर रहे हैं, अब ये दिमाग में डाला क्यों बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट कोस्ट है, पहले डाली होगी ना इन्होंने, कहते वो नहीं डाली होगी, तभी तो बोल रहा है वैल्यूएशन के लिए हम 24,000 का खर्चा और डाल रहे हैं, तभी तो बोला है गुडविल वैल्यूएशन के लिए, तो 24,000 हर साल में एनुअल कोस्ट, एनुअल चार्ज करना, एनुअल मतलब एक साल का, हर साल करना होगा एनुअल चार्ज करना है। सॉरी, ये 3 पॉइंट हो गए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। On 1st April 2016, a machine having a book value of 10,000 was sold for 11,000, but the proceeds were wrongly credited to the profit and loss account. No effect has been given to rectify the same. Depreciation is charged on the machine at the rate 10% on the reducing balance method. भाई ये पॉइंट तो बड़ा मुश्किल है, समझ में ही नहीं आया, क्या करें इसका। चलो,
इस पॉइंट को करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग हल्का करने के लिए सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, इस पॉइंट को लास्ट में समझ लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ही मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है एज यूजुअल, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मेट बना लिया है, प्रॉफिट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 101,000, 124,000, 100,000, ब्रैकेट में डाला हूँ ब्रैकेट यहाँ पे आने के लिए, और 140,000। और हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो पहले एडजस्टमेंट क्या थी हमारी कि हमने 17 में, इस वाले में दिसंबर 17 में एक रिपेयर की थी 30,000 की, 30,000 की रिपेयर की थी। तो रिपेयर की थी गलती जो कि कैपिटलाइज करनी थी, इसको क्या कर देंगे हम ऐड, आपको रिपेयर को खर्चे को पीएनएल से हटाना है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अभी ऐड क्यों किया, क्योंकि हमने कैपिटलाइज करना था, मशीन में डालना था, और जब इसको मशीन में ऐड कर रहे हैं तो एक्चुअली में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें निकाल लेना चाहिए। 4 महीने का कितना आएगा, 1,000। वही मशीन जब इस साल हमने ठीक किया है, पहले मशीन में डली नहीं थी, तो अगले साल में भी डेप्रिसिएशन ली नहीं होगी, तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसके क्या आएगा 2,900 इसके डेप्रिसिएशन अगले साल में। एक और साल हमें दिया होता तो और अगले साल भी हम डेप्रिसिएशन डालते, 29,000 में से 2,900 माइनस करते, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर फिर 10% का डेप्रिसिएशन निकालते। अगला पॉइंट क्या था कि मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करने के लिए हमें 24,000 हर साल माइनस करने हैं, 24,000 इसमें से माइनस करेंगे और 24,000 इसमें से भी माइनस करेंगे, हो गया 24,000 माइनस हो गया। अब अगला पॉइंट जो करने से पहले, पॉइंट करने से पहले मैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूँ वापस से, और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से पढ़ना समझना। ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000, भाई एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, यानी कि उसको बैलेंस शीट में हमने कितना शो कर रखा था 10,000, वो सोल्ड फॉर 11,000। एक मशीन थी, ये बैलेंस शीट है, बुक वैल्यू है 10,000, बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट में वो 10,000 की थी, 11,000 की बेच दी। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, जब आप मशीन बेचोगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे, कैश में आएंगे, बैंक में आएगा, या नाम आएगा कस्टमर का, यानी उधार में बेचोगे। तीनों ही केस में क्या होगा, मशीनरी हट जाएगी और यहाँ पे आपका कैश आ जाएगा 11,000, कैश 11,000 आ जाएगा, और पीएनएल में क्या चला जाएगा, बाय प्रॉफिट 1,000। तो हो गया ना बैलेंस, भाई 11,000 हमारा क्या हुआ, डेबिट, बैलेंस शीट में साइड डेबिट होता है, और 1,000 हमारा क्या हो गया क्रेडिट, और हमारा एक क्रेडिट क्या हुआ 10,000, यानी 11,000 क्रेडिट हो गया और 11,000 हमारा डेबिट हो गया। कैसे हो गया, एंट्री के डलती कैश हमारा आता 11,000, टू मशीनरी हमारी जाती 10,000 की, और टू प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट होता ना 1,000 का, ये एंट्री होती सही, ये सही होता, ये सही होता, हम क्या करते फिर। अब हुआ क्या एक्चुअली में हुआ ये है कि जो 10,000 की मशीन थी ना, वो सोल्ड 11,000 की, बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, नो अफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीनरी 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहते कोई भी काम नहीं किया गया इसको गलती को ठीक करने के लिए, और डेप्रिसिएशन हम लेते रहे। भाई इसका मतलब क्या बोला, मशीन तो बिक गई थी, डेप्रिसिएशन मतलब क्या कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ, बैलेंस शीट में मशीनरी 10,000 की थी और उन्होंने कैश आया 11,000 का सामान बेचा, 11,000 लिखे रहे कैश में। अब आपको कैसे पता 11,000 लिखे हैं, भाई जब भी हम कोई सामान बेचते हैं कैश की गलती नहीं होती, पैसे तो नगद हम गिनते हैं, पूरा गिनते हैं, पैसे तो हम पूरा गिनते हैं, सही गिनते हैं, सही लिखते हैं, कोई गलती नहीं करते कैश लेने की, गलती होती है दूसरी एंट्री की, हमने कैश 11,000 डाल दिया और पीएनएल में क्या डाल दिया, बाय प्रॉफिट प्रोसीड्स, या प्रोसीड्स डाल दिया तो प्रॉफिट ही डाला ना 11,000 का,
11,000 का प्रॉफिट डाल दिया आपने गलती से, अभी तो बहुत बड़ी गलती होगी आपसे, 11,000 का प्रॉफिट डाल दिया। एंट्री क्या डाल दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट प्रोसीड्स, या प्रोसीड डाल दो कोई भी चीज़। अब ये नहीं पता क्या चीज़ बेच के 11,000 आया, बस ये डाल दे कि प्रोसीड्स हमारी इनकम आ गई, इनकम बोल दिया, ये तो गलत हो गया। अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए इसका, एक बात बताओ। गलती इसमें एक आप बोलोगे कि सर आपने क्या किया, प्रॉफिट 11,000 डाल दिया, गलती से प्रॉफिट बढ़ गया है, तो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे 11,000 को माइनस करेंगे। पिछले केस में क्या होता, 1,000 प्लस किया था, हम तो प्रॉफिट देखते हैं इस पॉइंट में, एडजस्टमेंट वाले में, ये प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी है, ये भी हमारा गलती है, 1,000 हमें नहीं डालना चाहिए, मतलब प्रॉफिट तो हुआ है 1,000 का लेकिन हमें डालते नहीं, इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए हम 1,000 माइनस कर देते क्योंकि ये मशीनरी का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली में गलती बहुत बड़ी होगी, हमने 10,000 जो सेल की अमाउंट थी जो कि मशीनरी कटनी करनी चाहिए वो भी पूरा का पूरा यहाँ पर डाल दिया, तो क्या हमारे बैलेंस शीट में मशीनरी की अमाउंट पड़ी रही ऐसी की ऐसी, हाँ पड़ी रही, हमारे अकाउंट में मशीनरी ऐसी की ऐसी पड़ी रही, और जब मशीनरी ऐसी की ऐसी पड़ी रही तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हम लेते रहे होंगे, और डेप्रिसिएशन लेते रहे ये भी गलत है, तो यानी डेप्रिसिएशन को भी ले रहे हैं वो हटाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे तो कहाँ डालेंगे हम, टू डेप्रिसिएशन यहाँ पे, जो कि नहीं डालना चाहिए था, तो क्या करेंगे यहाँ पे डाल रखा है नहीं डालना चाहिए, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे उस अमाउंट को, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो भाई क्या था इसका, फर्स्ट अप्रैल 2016, यानी कि यहाँ पे इस साल में गलती हुई है, तो डेप्रिसिएशन कितने सालों की गलत होगी, तीन सालों की डेप्रिसिएशन में गलती हो गई। तो 2016 का पॉइंट था ये, 11,000 हमने गलती से ऐड कर रखे हैं 2016-17, उसको क्या कर देंगे माइनस। इस साल में हमने डेप्रिसिएशन भी ली हुई है 10%, इस साल में हमने डेप्रिसिएशन भी ली है 10% की, उसको भी हम ठीक करेंगे 10,000 की। तो भाई डेप्रिसिएशन कैसे ली होगी, डेप्रिसिएशन कैसे ली होगी, मशीनरी 10,000 की थी और 10,000 की पड़ी हुई है, तो 10% के हिसाब से पहले डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी, पहले साल में 16-17 में 1,000, फिर ये 9,000 की रह गई होगी, फिर अगले साल में 17-18 में कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी 10% के हिसाब से रिड्यूसिंग में 900, फिर कितनी 8100 की रह गई होगी, फिर अगले साल 18-19 में डेप्रिसिएशन लगी होगी 10%, फिर ये तीनों डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर रखी होंगी क्योंकि हमें एसेट हटाया ही नहीं है, और इन तीनों एसेट डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया होगा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे प्लस, तो 1,000 को प्लस करेंगे, पहले साल में 1,000 प्लस, दूसरे साल में 900 प्लस, और तीसरे साल में 810 प्लस। अब हम ये क्वेश्चन को इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट रह गया था हमारा, ओवर वैल्यूड स्टॉक वाला रह गया था, स्टॉक में हमारा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016-17 वाज ओवर वैल्यूड, तो 16-17 का जो स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड है, कितने से 12,000 से, तो ओवर वैल्यूड है यानी प्रॉफिट ज़्यादा हो रखा होगा, तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए माइनस, और अगले साल में क्या करेंगे प्लस, यानी प्लस 12,000। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कितना है हमारा 77,000 इंटू 1 कितना होगा 77,000, ये हमारा कितना आया 78,000 इंटू 2 कितना होगा हमारा 1,56,000। आप खुद इंटू कर लेना, एक बार कर लेना, मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ, इसमें कितना होगा हमारा, हमारा कितना आएगा 1,17,900 इंटू 3,53,700, ये कितना आएगा हमारा 1,13,910 इंटू 4,55,640। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 10,42,340 वैल्यू आ गई, वेट 10 आ गया। अब इसको लिख लेते हैं 1,042,340 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू 1,042,340,
104234 into 3 कितना आ गया हमारा गुडविल 312702। क्वेश्चन कराते वक्त मैंने थोड़ी जल्दी क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा स्पीड में रहा हूँ, लेकिन मैंने जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपको क्लियर करवाए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम अगली क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले हम बेस समझेंगे, जो मेरा मेन मोटिव है क्लासेस कराने का, वीडियो बनाने का, वो ये है कि मैं आपको क्लियर करा सकता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है। वैसे तो क्लास में आप स्कूल में आप जाओगे तो आप देखोगे कि मैडम कोई भी स्कूल में जाते हैं 2-3 दिन में गुडविल चैप्टर खत्म करा देते हैं, तो 2-3 दिन से ज़्यादा, हफ्ते से ज़्यादा, 3-4 दिन से ज़्यादा गुडविल चैप्टर को नहीं कराते। मैक्सिमम 1 वीक में अंदर गुडविल चैप्टर को ख़त्म करा देंगे, क्योंकि वो चार चीज़ें हैं, चार फॉर्मुलेज हैं, चार फॉर्मुले ऐड याद करो और बताओ यहाँ पे इनटू करना है, क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, बेस क्या है, वो समझना ज़रूरी है। अगर आप ये पॉइंट नहीं समझोगे तो कैसे करोगे, प्लस माइनस तो सीख लोगे लेकिन बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए जब आप अगली बड़ी क्लासेज में जाओगे तो कैसे करोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा मेन मोटिव है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।